लिए, बाहर निकलने के लिए तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। उनके पास अब अपने इल्जाम से बचने का कोई जरिया नहीं रहा। उन्होंने कौम से 3 दफ़ा झूठ बोलकर ना सिर्फ अपने हल की खिलाफ वर्जी की है बल्कि पाकिस्तान के आइन की भी खिलाफ वर्जी। सारा कचरा और सारा पोस्टमार्टम और सारा गन 10 नंबर बुक में भी निकल आएगा। अकल को हाथ डालो, पाकिस्तान के इदारों को मत तबाह करो। जजिस से पंगा ना लो, जर्नैलों से पंगा ना लो, सुप्रीम कोर्ट के आगे सरनगू हो जाओ। सारे केसेस में नवाज शरीफ को माफ कर दें। माई लॉर्ड आपके सामने झूठ बोला, जालसाजी की, फोर्जरी की, गलत डॉक्यूमेंट दिए, टेम्पल डॉक्यूमेंट दिए, उसमें कोई बचत नहीं हो सकती। शेख रशीद, तुम नवाज शरीफ साहब के 25 साल जूते पॉलिश करते रहे कि कोई मौजजा ही नवाज शरीफ साहब और उनकी जो फैमिली है उसको 14 साल कैद और 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन से बचा सकता है। पाकिस्तान के लोग हर गली मोहल्ले में ये जानते हैं कि ये खेल एहतसाब का नहीं, ये इक्तदार का है। मेरा अपने आप से ये अहद है कि अगर कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्ज़ाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताखीर के बगैर घर चला जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफ़साल। नाज़रीन, पैनामा केस अमल दरामद के हवाले से जो अहम समात है, GIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होने के बाद वो जारी है और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ से एक तो वो स्ट्रैटेजी है, सियासी स्ट्रैटेजी जो इंतहाई एग्रेसिव नज़र आती है हमें कोर्ट के बाहर और अंदर, जो आज वज़ीर आज़म के वकील ने, ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल जिस अंदाज़ में दिए हैं वो लगता ऐसे है कि काफ़ी वीक पिच पर खेले हैं। आज टेक्निकल ग्राउंड्स का ज़्यादा सहारा लेने की उन्होंने कोशिश की है। अव्वल तो उन्होंने GIT के हवाले से कल जो दरख्वास्त दी थी और आज भी उस हवाले से बात की कि इस रिपोर्ट को ही मुस्तरद कर दिया जाए, और जो भी उनके एतराज़ात आए हैं, जो वज़ीर आज़म साहब के वकील हैं, वो ये कहते हैं कि ये इख्तियारात से तजावुज़ किया है, इस GIT ने मैंडेट से एक्सीड किया है, हदूद व क्यूद के अंदर नहीं रहे हैं। आला अदालत ने 13 सवालात दिए थे तो उन्होंने कहा कि जनाब ये 15 कैसे हो गए, 2 और सवालात ऐड कर दिए इन्होंने। इसके अलावा जो बड़ा अहम मामला है, जो लुब्बे लुबाब था सारे आज की प्रोसीडिंग्स का, कि जो जजेस साहिबान के रिमार्क्स हमारे सामने आए हैं वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद से ये कहा था कि ये हैं वो ज़राए, सारा मामला ही मनी ट्रेल का है, तो वो दस्तावेज़ात अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहे। फिर ख्वाजा हारिस साहब बार बार ये कहते रहे कि हमें मौका नहीं मिला, हमें सुना नहीं गया, तो इस पर भी ऑनरेबल जजेस ने यही कहा कि जो GIT बनाई गई थी ये आपको ही सुनने के लिए बनाई गई थी, ये आपको ही मौका दिया गया था, ये GIT को मोहलत नहीं दी गई थी, आपको मोहलत दी गई थी। जो सबूत, जो शवाहद आप सुप्रीम कोर्ट में पहले पेश नहीं कर सके वो आप GIT के सामने पेश कर सकते थे, लेकिन इस हवाले से कोई वाज़े दस्तावेज़ात कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं हैं। फिर बहुत ज़्यादा वावेला है Volume 10 का, जिस हवाले से दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जा चुकी है कि उसको भी पब्लिक किया जाए। तो जब आज ख्वाजा हारिस साहब बार बार इसरार करते रहे तो वहां पर एक मुअज्जज जज ने कहा कि अगर आप कहते हैं तो हमें तो कोई मसला नहीं, हम खोल देते हैं, तो उस पर ख्वाजा हारिस साहब जो है वो खामोश हो गए। और Volume 10 के हवाले से कहा जाता है कि दो धारी तलवार है बकौल शेख रशीद, इसमें बहुत कुछ ऐसा निकल आएगा जो हुकूमत के लिए ज़्यादा डैमेजिंग होगा। और ये जो बार बार साजिश की बात की जाती है, वज़ीर आज़म साहब के दामाद कैप्टन सफदर काफ़ी एक्टिव आजकल नज़र आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि ये साजिश जो है वो इदारों की तरफ से है, कभी वो ये कहते हैं कि हम बाहर निकलेंगे, कभी वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है। इससे पहले आपको याद होगा कि कहा कि ये नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, तमाम चीज़ें। आज चलें, जो हुकूमत का कोई और शख्स आपको बताते हुए नज़र नहीं आ रहा था, आज उन्होंने कहा कि ये इंडिया और इसराइल की साजिश है, जो पैनामा केस और जो GIT बनाई गई है। बहरहाल आज इसी के हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर शीरी मजारी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक चेयरमैन सेनेट, आपकी तशरीफ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। और जनरल अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रेनाउंड डिफेंस एंड पोलिटिकल एनालिस्ट। जनरल साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो बताएं कि साजिश साजिश साजिश, आप लोग भी कहते थे कि ये बोलते क्यों नहीं है, नाम क्यों नहीं लेते, तो आज तो बता दिया उन्होंने कि इजराइल और इंडिया करवा रहा है। देखें,
इंडिया पे मुझे खास तौर पे हंसी आ रही क्योंकि अगर कैप्टन सफदर कुछ इंडियन चैनल्स देख लें तो वो तो वावेला मचाया हुआ है इंडियन चैनल्स पे कि हमारा दोस्त था हिंदुस्तान का नवाज शरीफ दोस्त है इसी वास्ते उसके खिलाफ ये सारा हो रहा है। तो सबसे करीबी पाकिस्तानी जो है हिंदुस्तान के वो तो इनका अपना फादर इन लॉ है नवाज शरीफ, तो साजिश अगर कोई कर रहा है नवाज शरीफ के खिलाफ तो ये मुझे हंसी इस पे आती है कैसे हिंदुस्तान हो सकता है। हिंदुस्तान तो उसके लिए साजिश करता है, जिंदाल आके मिलता है जादेव के केस में, जिंदाल इंटरवेंशन चाहता है और आप टाइमिंग देखें उस वक्त जादेव वो जिंदाल आया और उसके फौरन बाद ICJ की हियरिंग्स हुई जिसमें हमने डिलिब्रेटली बंगलिंग की, वो वाजे हो गया था क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें खुद एडमिट किया है अटर्नी जनरल ने कि हाँ हमारी कुताहियाँ हुई थी उधर। तो मतलब है हिंदुस्तान और नवाज शरीफ तो हिंदुस्तान के लिए साजिश करता है पाकिस्तान में, तो मतलब है ये मजाक इन्होंने बना लिया। और मुझे बताएं क्या UAE की हुकूमत साजिश कर रही है, क्या BVI का FIA जो है उनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी वो साजिश कर रही है, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट ने कैलिब्री फॉन्ट का इशू पॉइंट आउट किया, कौन साजिश कर रहे हैं? साजिश तो इनके जो गलत एडवाइस दे रहे हैं नवाज शरीफ को और उसकी फैमिली को, साजिश इनके अपने लोग इनके खिलाफ कर रहे हैं। ठीक, अच्छा अभी जो आपने बात की कि जनाब वो टाइमिंग उसके विजिट की कैसी थी, आज एक और टाइमिंग पर भी एतराज़ हो रहा है, कतरी वजीर खारजा आए हैं, आपको लगता है कि उनके विजिट का भी कोई कनेक्शन है इस केस से? देखिए कतरी शहजादे तो नहीं आए, ना उम्मीद रख रहे होंगे लेकिन आप भूल गए कतरी शहजादा करप्शन की वजह से उसको हटा दिया गया था कतरी रूलिंग के वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहा था। ये हो सकता है कतरी फॉरेन मिनिस्टर, देखें एक तो वो जो क्राइसिस चल रहा है GCC में और दूसरा जो आपने LNG और ये डील्स किए हैं उसको मे बी वो गारंटीज लेने आ रहा हो कि नवाज शरीफ रहे या ना रहे, डील्स रहेंगी कि नहीं रहेंगी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है ये नवाज शरीफ को बचाने नहीं आ रहा क्योंकि कतरी शहजादा अपने रूलिंग सर्कल में डिसक्रेडिटेड हुआ है। बुखारी साहब, ख्वाजा हारिस साहब आज बारहा कहते रहे कि जनाब GIT ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, हदूद व क्यूद का ख्याल नहीं रखा, और ये जो नुक्ता कि हमें सुना ही नहीं गया, हमें मौका ही नहीं दिया गया, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि GIT आपको सुनने के लिए बनाई गई थी, आपको मौका ही दिया गया था, मोहलत दी गई थी 60 रोज की, और कैसे सुने इन्हें? शुक्रिया साथिया, बुनियादी बात मैं ये समझता हूँ कि जिस क्राइसिस में आज ये फंसे हुए हैं और जो इनके आर्गूमेंट्स आ रहे हैं कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी, मेरा ख्याल है इन्होंने वो 20 अप्रैल वाला ऑर्डर जो था ना, अगर ऑर्डर प्रॉपरली पढ़ा होता और किसी ने इनको समझाया होता तो ये कभी क्वेश्चन उठाते कि हमारे पे इल्ज़ाम क्या है। सही है। दूसरी बात, इस GIT रिपोर्ट को आप इसको 3 पार्ट्स में देखें। पहली बात बुनियादी है कि ये उनकी रिकमेंडेशंस, सेकेंड उनके क्वेश्चन आंसर्स जो लोग उनके पास अपीयर हुए उनके सवालात और उनके जवाबात क्या हैं, और तीसरी बात जो डॉक्यूमेंट्स फर्निश किए गए, ये 3 चीज़ें हैं। ओके, रिकमेंडेशंस पे आप कहें क्योंकि बायस उनका था उन्होंने कर दिया, लेकिन पॉइंट इज दिस कि जो क्वेश्चंस उन्होंने किए आपसे और जो जवाबात दिए वो इट्स अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, और फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए इट इज़ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, और वो सारे सबमिट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 चीज़ों को एग्जामिन करना है, और इसीलिए उन्हें बार बार भी कहा गया कि जब इन पे ये शुरू से कहते हैं कि जी हमारे पे ऑनर्स नहीं है, ऑनर्स तो हमेशा से इनके पास था, और जजेस ने बारह कहा इनके ऑनर्स आप पे, और आज फिर से कहा इनको, और अब भी वो कहते हैं इनको कि जी आज अगर आपकी पोजीशन में कस्टडी में डॉक्यूमेंट्स हैं, और बुनियादी बात है ये कहते हैं जी हमने कोई चोरी की करप्शन की, ये जो वाइट कॉलर क्राइम है उसका एविडेंस बाजार अवेलेबल सामने सामने कभी नहीं होता, ये पैसे देने वाले को पता होता है या पैसे लेने वाले को पता होता है। असल डिटेक्ट कैसे होता है कि जब कोई शख्स जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है जब उसके एसेट्स में इजाफा हो और तेज़ी से इजाफा हो, और जब उसका रहन सहन ऐसा हो कि जो कंसंट्रेट ना करता हो उसके सोर्स ऑफ इनकम से, तो फिर इट इज़ अ वाइट कॉलर क्राइम। और फिर वो डिटेक्ट कैसे होता है कि से एसेट्स उसके अगर 5 बिलियन के हैं और उसकी उस अरसे में अर्निंग जो है कोई 10 मिलियन की तो है। वो जो आज वो कह रहे थे बार बार कि 13 सवाल पूछे थे तो 15, तो उसमें एक तो यही था ना कि जनाब वो जो आमदन और आपके असासे हैं उसको परखने वाला मामला क्यों उठाया इन्होंने? असल बात ये है
کہ اگر آپ دیکھیں جو جس دیکھیں نا کورٹ نے اس جو 20 اپریل آرڈر ہے نا اس میں ریفرنس نیب آرڈیننس کا دیا ہوا ہے جی, اور اس میں ابھی جی آئی ٹی نے جو رپورٹ سبمٹ کی اس میں بھی آپ دیکھیں اس میں بھی قانون شہادت کی آرٹیکل 117 اور 122 کا ریفرنس ہے کہ وہ بڑا واضح ہے کہ جب آپ کسی فیکٹ کی ایگزسٹنس کا اسرٹ کرتے ہیں دین یو ہیو ٹو پروو دیٹ, یا پھر اگر کوئی اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں اور کسی کی نالج میں ہے کسی فیکٹ کی تو وہ فیکٹ پروو کرنا بھی انہی کا کام ہے, یہ قانون کہتا ہے پاکستان کا قانون کہتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے اور یہ لیم ایکسکیوزز بھی لے رہے ہیں, اور پھر یہ جیسے آپ نے خود آغاز میں کہا ٹیکنیکلٹیز میں جا رہے ہیں, تو سپریم کورٹ آرٹیکل 183 کے نیچے بھی ایگزامن کر رہی ہے, آرٹیکل 187 کے نیچے بھی کر رہی ہے, اور الٹیمیٹلی یہ ڈیسیژن آئے گا. اب یہ بوکھلاٹ کا کی گئی ہے کہ اب یہ ناب کورٹ کے اندر یا ٹرائل کورٹ کے اندر یا پھر نا اہلی وہ کیا ہوتا ہے اس میں سے, جس پر اس میں لارج ایڈوانٹیج. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے, سٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک, یو واچنگ 92@8. سر صاحب ایک چھوٹے سے سوال کا جواب آپ سے لے کر پھر میں جنرل صاحب کی جانب جاؤں گی. یہ جو آج بات کی گئی ہے کہ یہ سفارشات جی آئی ٹی کی ہیں, اس پر عمل کرنا ہے نہیں کرنا, وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے, بٹ ٹرائل کورٹ میں معاملہ جانا ہے یا نا اہلی والا, اس پر آج بات ہوئی ہے. دو باتیں ہیں جی اس پہ, ایک تو ہے نا اہلی والا اور ایک ہے ٹرائل کا, بالکل, اور ایک تیسرا بھی ہے. And that is summary trial within the Supreme Court. جو لائرز نے ایجیٹیٹ نہیں کیا. اب یہ دیکھیں کہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں یہ بات پرووائڈیڈ ہے سمری ٹرائل کی, اور سیکشن 476 ہے CRPC کی. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ فالس ڈاکومنٹس فرنش کرتا ہے کورٹ کو, اور وہ بھی پھر 195 CRPC بھی موجود ہے, تو وہ 5 سال کی سزا انسٹنٹلی دیر اینڈ دین ود آؤٹ اینی ٹرائل سمری ٹرائل پہ اس کو سزا کورٹ دے سکتی ہے. وہ کسی لائر کی طرف سے نہیں اٹھایا گیا, وہ نہیں اٹھایا گیا. ابھی بات یہ ہے کہ یہ اٹ از اسٹیبلش فیکٹ کہ انہوں نے ڈاکومنٹس جو طارق شفیع والے ڈاکومنٹس ہیں, جو ایگریمنٹ تھا بٹوین قطریز اینڈ آل دیٹ, اور پھر جو ڈسٹریبیوشن آف ان کے ایسٹس تھے وہ, پلس وہ جو ان کا ٹرسٹ ڈیڈ ہے, یہ دس از اسٹیبلش, اور یہ ڈاکومنٹس سپریم کورٹ میں بھی جمع ہوئے ہیں, جی آئی ٹی کے پاس بھی آئے ہیں, تو یہ اٹ از proved that they are fake documents. اب جب فیک ڈاکومنٹس ہیں, اب وہ بھی اس کی سزا جو موجود ہے کہ یہ فارجری کی زمرے میں آتا ہے, کہ جب آپ کوئی ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں اور میکنگ از اے جینوئن ڈاکومنٹ تو دیٹ از اے فارجری. اگر تعزیرات ہے پاکستان کے نیچے یہ فارجری اسٹیبلشڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 476 کے نیچے سمری ٹرائل کر کے جس نے بھی وہ ٹینڈر کیے ہیں, سارے معاملے میں اگر وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن ہے تو وہ صادق اور امین 62-63 پرجری کے معاملے پہ بھی ہے obviously. دیکھیں when there is a conviction, he stands no more there. One thing, and secondly, یہ ابھی آپ نے آغاز میں انٹرو میں سنایا کہ جب میرے خلاف فیصلہ آ گیا تو میں گھر چلے جاؤں, بات یہ ہے کہ جب فیصلہ آپ کے خلاف آیا نا تو آپ کو خود جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ گھر بھیجنے والے خود گھر بھیج دیتے ہیں. ہاں فیصلے سے قبل آپ جانا چاہ سکتے تھے. جنرل صاحب چلے, وہ تو انہوں نے کہا نا کہ کسی کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں الزام بھی میرے پہ آ گیا, تو جانے ہی جانا ہے, یہ تحقیقات کے نتیجے میں. تو آج ان کی چلیں اعجاز الحق صاحب آج خوش قسمت رہے, ان سے ملاقات ہو گئی, ویسے تو ان کو ٹائم بھی نہیں مل رہا تھا, وہ ناراض بھی کافی تھے, تو اعجاز الحق صاحب سے ملیں, اور اس کے بعد کہا ہے کہ جو لوگ استعفیٰ مانگتے ہیں وہ آج ایک بار پھر سے سننے میں استعفیٰ نہیں دوں گا, نہ ہی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, کوئی کہیں نہیں جا رہا. دیکھیں بات یہ ہے, یہ ملک کو بلا وجہ بحران کی طرف لے جانے والی بات ہے کہ آپ بحران پیدا کر رہے ہیں, اور اس میں ایک غیر یقینی صورتحال ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ بہت سارے بیوروکریٹس آس پاس جو لوگ ہیں, چونکہ یہ ٹائم نہیں دے سکتے, وہ کام کوئی نہیں کر رہے, اور یہ ٹھیک ہے جیسے قطر کے وزیر خارجہ مل لیا, لیکن میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم یا کسی کے پاس ٹائم ہے کہ وہ فورن پالیسی کی طرف پوری توجہ دے سکے. نہیں پھر دیکھیں یہ بھی تو اس
ملک کی بدقسمتی ہے نا کہ اگر قطر کے وزیر خارجہ آئے ہیں سٹیٹ ٹو سٹیٹ افیئرز معاملات کے اندر, ان کا یہاں آنا بھی اب مشکوک ہو گیا. حالانکہ ہونا نہیں چاہیے, ہونا چاہیے, لیکن چونکہ ایسے اب چیز یہ ہے کہ اگر پاکستان میں جو سوجھ بوجھ والا طبقہ ہے, عام آدمی کو شاید نہ اندازہ ہو, جیسے ابھی نیر بخاری صاحب بات کر رہے تھے, جعل سازی اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے کاغذات فورجڈ قسم کے آپ نے رکھے, جھوٹ آپ نے بے پناہ بولے, تقریریں کیں اور پھر آپ اسے پھر گئے, ان چیزوں سے امیج کوئی نہیں رہتا. اگر اس عہدے کی قدر و منظر, میں ایک انڈیویجول کی بات نہیں کرتا, وہاں وزیر اعظم کوئی بھی بیٹھا ہو سکتا ہے, لیکن وزیر اعظم پاکستان جو ایک عہدہ ہے, اگر اس کی قدر و منزلت اس طرح ہم اس کو ذلیل کر بیٹھیں, گوا بیٹھیں, تو وہ بھی میرا نہیں خیال کہ ملک کے مفاد میں ہے. یہ سوچنا چاہیے وزیر اعظم کو. اب چیز یہ ہے کہ یہ سارا پروسیس آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. سب سے بڑا نقصان آپ نے یہ کیا کہ تمام ادارے ملک جن کے سپریم کورٹ نے خود کہا کہ یہ کسی قابل نہیں رہے, نیب وغیرہ, یہ وہ, یہ کچھ نہیں کر سکتے, اب ظفر حجازی صاحب نے ثابت کر دیا کہ واقعی ان اداروں میں وہ لوگ بھرتی کیے ہیں اور ان کو ہٹایا بھی نہیں جا رہا, ہٹایا نہیں. اب ظفر حجازی نے منہ کالا کیا کوئی اپنی ذات کے لیے, اور لازمن اس کو کسی نے کہا ریکارڈ ٹیمپرنگ کس کے کہنے پہ کی, اور بینیفٹ کس کو تھا. اب یہ چیزیں وہ ہیں جو اس نے, اگر اس کو بھی میرٹ سے ہٹ کے وہاں بٹھا دیا گیا تو ہی ہیز ٹو ری پے فار دی فیور دیٹ ہی ہیز ریسیوڈ, اور یہ باقیوں کا. اسی طرح ایک اور جو ملک کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے, جو نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ آپ نے بٹھایا ہوا اور ہٹا بھی نہیں رہے, باوجود اس کے کہ جی آئی ٹی کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں, تو آپ نے ملک کو اس کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, اس کے جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں, سب کو آپ نے غارت کر کے رکھ لیا ہے, اور پھر اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جانا نہیں ہے, وہ کتنا بڑا ان چیزوں سے دل دکھتا ہے. مورالٹی کی بات کریں, اخلاقیات پہ استعفی دینے کی بات کریں, تو پھر تو کب کا آ چکا ہوتا. جو جلسہ بات کر رہے ہیں نا نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کی, سعید احمد کی, ایک اور بڑی خطرناک چیز سامنے آ گئی ہے. ایک تو یہ ڈیول نیشنل ہے اور یہ جیل میں رہے ہیں سعودی عرب میں, اور وہاں ان کو برٹش گورنمنٹ نے چھٹوایا بیکاز برٹش نیشنل ہے. اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ آئی او یو نہیں ان کا ہوتا برٹش حکومت کے لیے, یہ نیشنل بینک میں ہمارے کئی سینسٹیو اداروں کے اکاؤنٹس ہیں. اب وہ ساری ہمیں کیا پتا کہ کون کون سی انفارمیشن اس نے فورن گورنمنٹ کو, جس کی ڈیول نیشنلٹی ہو, یہ کہ برطانوی حکومت کو نہ دی ہو. تو یہ تو ایک بہت سیریس ایشو ہے. اور جو مجھے حیرانگی ہے کہ چلے حکومت تو پیرلائزڈ ہے, گورننس تو ہو ہی نہیں رہی, لیکن جو ہماری سینسٹیو ادارے ہیں, جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں, ان کو کیوں نہیں, انہوں نے کیوں نہیں نوٹس لیا سعید احمد کا, اس کی ڈیول نیشنلٹی کا, اس کے بیک گراؤنڈ کا. میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی ایک ڈینجرس ایشو ہے اور اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن ساتھ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, سب یہ اب مان رہے ہیں کہ جی جو ایکچوئل میرٹس ہیں جی آئی ٹی کے, جو انفارمیشن ہے, جو ڈاکیومنٹس ہیں, اس پہ کوئی چیلنج نہیں آ رہا, فیکٹس ہیں. لیکن کئی ہمارے تھنکنگ اینکرز بھی, جرنلسٹ بھی مسٹیفائڈ ہیں کہ بھائی کیوں نہیں, آفٹر آل بزنس فیملی ہے, کہیں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی, لیکن کوئی تو کہیں نہ کہیں تو بزنس کا کچھ تو کاغذ نکلے گا. ہم بھول گئے ہیں یہ ان کی بزنسز کرپشن کی فرنٹ ہیں. آپ دیکھیں نا ریکارڈ, ساری کمپنیز ڈیٹ میں جا رہی ہیں, ساری فیلڈ کمپنیز ہیں, پیسہ ان کو آتا جا رہا ہے. یہ دس از کلاسک منی لانڈرنگ اینڈ کرپشن. میگا پروجیکٹس پاکستان میں کیے, ادھر سے پیسے سائفن آف ہوئے, اور وہ آپ نے کیا کہتے ہیں ہنڈی کے تھرو یا پتہ نہیں جس طریقے سے بھی بھیجے, پھر آپ نے اپنے بچے پارک کیے ادھر, اور بچے آپ کو وہ گفٹس کے, پارک آئی لائک دیٹ ورڈ, بچے پارک, ہاں, گفٹ کی صورت میں واپس آپ کو پیسے بھیج رہے ہیں. کمپنیاں ڈوبتی جا رہی ہیں, ایک دھیلا نہیں کما رہی, اور آپ کو آتے جا رہے ہیں پیسے, آتے جا رہے ہیں. تو یہ اس پہ آپ کو کوئی نہیں ملے گی منی ٹریل, کیونکہ یہ کرپشن اور منی لانڈرنگ. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ججز صاحبان کو بھی سمجھ آ گئی اور بڑی جلدی آپ کو لگ رہا ہے انجام ہو جائے گا اس کیس کا؟ اب دو چیزیں, ایک تو خیر 62-63 صرف اقامہ کو ہی کنسیڈر کر لیں, جو مان گئے ہیں, جو خواجہ حارث صاحب مان گئے ہیں, وہ ایف زیڈ ٹی کے حوالے سے مان گئے ہیں, دوسرا جو انہوں نے پرجری کی ہے, یعنی کہ جو جھوٹ آن اوتھ, جب آپ سپریم کورٹ میں بات کرتے ہیں آن اوتھ آپ بات کرتے ہیں, تو جو انہوں نے ایویڈنس دیا آن اوتھ وہ سارا جعلی نکلا.
परजरी पे ही डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। तो डिस्क्वालिफिकेशन तो मैं समझती हूँ, अगर ना हुई तो बड़ी हैरानगी की बात है। और दूसरा, इनका क्रिमिनल ट्रायल्स भी अब होंगी करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग की। सही, इतनी ज्यादा चीजें हैं तो फिर शरीफ खानदान के जो एडवाइजर्स हैं या जो उनकी लीगल टीम है वो उन्हें ये बताने में नाकाम क्यों नजर आती है। मैं बुखारी साहब से जवाब लूंगी एक ऐसी चीज का जो कि वजीर आजम साहब गिलानी साहब के हवाले से कहते थे, वो क्लिप हमारे पास मौजूद है, और फिर जब उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जाता है तो क्या कहते हैं ये देखिएगा। यूसुफ गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो, अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। अवाम ने आपको शिकस्त दी है और अवाम ने अल्लाह के फजल करम से हमें फतह से हम किनार किया है, हम आपके कहने पे घर चले जाएं? जरा ये मुंह और मसूर की दाल, इनके पल्ले एहतजाज के अलावा और कुछ नहीं है। हर बात पे कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो, और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा? इनके कहने पे नवाज शरीफ इस्तीफा देगा? जाओ जाके क्रिकेट खेलो क्रिकेट, ये सियासत तुम्हारा काम नहीं है, ये मुल्क चलाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं चला सकते, तुम सिर्फ क्रिकेट ही खेलते रहो वो काफी है तुम्हारे लिए, अब तो वो भी नहीं खेल सकते, जो खेल ली वो खेल ली। और हम तो अल्लाह के फजल करम से क्रिकेट भी खेले हैं और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत भी कर रहे हैं। तो जनाब वजीर आजम साहब इमरान खान साहब को भी यहाँ पे टेक ऑन करते नजर आए, और तमाम जमातें जो इस्तीफे का मुतालबा करी, बुखारी साहब वो कहते हैं कि ये मुंह और मसूर की दाल, तुम्हारे कहने पे नवाज शरीफ घर चला जाए, किसके कहने पे जाएंगे फिर, किसके कहने पे रिजाइन करेंगे? आप सारी ऑपोजिशन पार्टीज तो इकट्ठी हैं। उसका जवाब देने से पहले मुझे वो बात याद आती है, हमारे पॉलिटिकल लीडर कहते हैं पप्पू दो में फेल है। अब वो बात का तो हम देखते हैं, पांच में नहीं नहीं, अब आप बहुत सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिखा होता है पप्पू यार जिद रखा, अब इनसे ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ जिद रखा, सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई तुम्हारे खिलाफ। अब बात यह कि जो कंपेयर करें यूसुफ गिलानी साहब का केस, उसमें और इसमें बड़ा फ़र्क है। अच्छा, उसमें ये उस वक्त जो जुडिशरी थी और जो चीफ जस्टिस थे उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स पीपल्स पार्टी जो था दैट वॉज वेरी हॉस्टाइल, और ये वो केस है जिसमें ये खुद पिटिशनर बने और काला कोट पहन के गए, तो वो एक विद मलेशियस एंड टेन को प्रेशराइज हो रहा था, काफ़ी खाते के खाते के उन्होंने कहा कि नहीं, प्राइमरली वो खत भी रूट होना था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से, वो रॉन्गली कन्विक्शन हुई। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ उस जमाने में बाबर अवान के पास थी और प्राइम मिनिस्टर ओनली अप्रूव्स दी समरीज सबमिटेड बाय द मिनिस्टर्स, ठीक है, और अगर वो इनिशिएट नहीं किया तो बाबर अवान ने नहीं किया ना, तो कन्विक्शन वो जो यूसुफ़ा गिलानी को देगी वो गलत कन्विक्शन थी, और फिर वो कन्विक्शन देगी कि आपने बाबर अवान साहब को पूछा जाना चाहिए था जो उनकी पार्टी में। मैं कहता हूं आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक क्लिनिक, हां इट्स वे आई एम फर्म अबाउट दैट, ठीक है, इट वाज हिज रिस्पांसिबिलिटी, इट वाज मिनिस्ट्री ऑफ लॉज रिस्पांसिबिलिटी, मिनिस्टर लॉ की रिस्पांसिबिलिटी थी कि वो मूव करता सबरी एट हिज ओन, तो प्राइम मिनिस्टर को कोई भी डायरेक्शन नहीं देता ना, कंसर्न मिनिस्ट्रीज सबरीज मूव करती है, इसकी अप्रूवल आती है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जनरल साहब एक सवाल जो आज सुबह से साथी, आई वांट टू ऐड वन थिंग, आपने वो कहा कि मियां नवाज शरीफ कहते हैं इस्तीफा नहीं दूंगा, इस्तीफा दो, बात यह है कि मैंने जैसे अर्ज किया कि यूसुफ़ा गिलानी साहब का केस वो डिफरेंट था, ये तो करप्शन के चार्जेज हैं, और नॉर्मली एक फैमिली का हेड हो या एक पोलिटिकल पार्टी का हेड हो तो उसके जो फॉलोअर्स होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं या किसी ट्राइब का हेड हो तो वो समझते हैं कि हमारा जो लीडर रहनुमा है वो बड़ा पाक साफ है,
इनका तो सारा दामन दागदार हो चुका है, इन पे इतने बल्कि इनका अपना नहीं पूरे खानदान का दामन दागदार हो चुका है, इनको तो स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। और अभी ये कहते हैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आज का है, आज फिर का है, नहीं मैं ये और प्रॉब्लम है, ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप इनको कह रही थी ना कि आप इस्तीफा दे दें, वो शायद इनके साथ हमदर्दी कर रहे थे, ये इतने बेइज्जत ना होते अगर ये स्टेप डाउन कर देते, जितने बेइज्जती आज हो रहे हैं अगर इस्तीफा नहीं दिया और चीजें सामने आ गई तो आप सामने आएंगे तो वॉल्यूम 10 भी आ जाएगा। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बट मेरा एक सवाल कि आज ये बात हो रही थी कि अगर वजीर आजम साहब का जो मामला है इनका ट्रायल कोर्ट में चला जाता है और इनकी जगह इन्हीं की पार्टी का कोई और वजीर आजम आ जाता है तो क्या वो वजीर आजम असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेगा उन इदारों पर? देखें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिठाएंगे ही उसी शख्स को जो जिस तरह जो कहते हैं ना लोग कि वो दूसरा ममनून हुसैन चाह रहे हैं, ममनून हुसैन दूसरा जफर एजाजी चाहिए, जफर एजाजी चाहिए, वो जो वजीर आजम बनेगा वो रेप्लिका होगा जफर एजाजी का और वो वही कुछ करे। अगर वो इस तरह का नहीं होगा कोई कंप्लाइंट आदमी तो उसको नहीं बिठाया जाएगा। सो चूंकि ये सारा खेल जो है वो इसी तरह के गलत चीज़ों पे, गलत डॉक्यूमेंट्स पे, झूठ सच पे मबनी है तो वो उसमें जो कॉपरेट करें वही चाहिए। अब बात यह है कि इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ़ करता हूँ। चीज़ ये है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देते अगर वाकई उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर होता, जब हुकूमतें पैरालाइज हो जाती हैं, जब उनको बेदस्तोपा हो जाती है, उनको समय लगते हैं वो हुकूमत चलाने के काबिल नहीं, अभी प्रेशर है ही नहीं। चीज़ यह है कि सवाए पीटीआई के उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है और मैं ये पूरे वसूख से आपको बता रहा हूँ कि बाकी जो भी ज़बानी थोड़ा बहुत बातचीत करने वाले लोग हैं वो दे आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट कि वाकई इनको प्रेशराइज करें कि इसका कोई बैकलैश आए। पीपल्स पार्टी अभी भी सीरियस नज़र मेरा नहीं ख्याल अच्छा। मैं अपने तौर पर जो मैं समझता हूँ, मैंने एनालिसिस किया है पहले दिन से, जब से पानामा का केस चला है पीपल्स पार्टी के बाद लोगों ने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी हैं, इनमें बसरा अपना बगुन नदीम चंद वगैरह ये लोग वो हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स और सड़कों पे आएंगे ये करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नथिंग हैपेंड। लेकिन अब तो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं और अब सोच रहे होंगे कि शायद हम भी पिटीशन करने के लिए जा रहे हैं, आई एड वन अटेंड करने जा रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि नून लीग में ये बहुत स्ट्रॉन्ग असेसमेंट है कि ये चीज़ हमें पॉलिटिकली ये नहीं हटा सकते क्योंकि उनको सवाए आप देखें कि यहाँ भी वो आके अगर वो बात करते हैं तो सिर्फ इमरान खान की कि ये क्रिकेट खेले जाके करें, बाकियों का वो जिक्र नहीं करते और बाकियों को उन्होंने ओब्लाइज भी किया हुआ है। दूसरी जो एक चीज़ है, एक ख़तरा बहुत बड़ा है जिसको ये हर तरह चाहेंगे कि टालें। देखें तीन इशूज़ हैं, एक तो ये केस जैसे जैसे चलता जा रहा है गलाजत बढ़ बढ़ के बाहर आती जा रही है, यानी अगर पहले को दो चीज़ें छी थी दो की चार हो गई, चार की छः और बहुत कुछ खिलाफ निकलता आ रहा है। दूसरा ये है कि दो केसेस ऐसे पड़े हुए हैं जो सर्दखाने में हैं जिनका मुझे शक है कि वो बहुत बुरी तरह बाहर आएंगे। एक तो मॉडल टाउन का किस्सा जो लाहौर वाला है, इट्स ए वेरी वेरी डेंजरस केस, उसमें FIA दर्ज हो चुकी हुई हैं और वो अगर हुकूमत इनकी ना हो और कोई भी हुकूमत जो बिल्कुल अगर ईमानदाराना तरीके से चलाए तो ऐसा जुल्म हुआ हुआ है। और दूसरा केस है डॉन लीक्स का, डॉन लीक्स अच्छा, वाला केस जो है बाहर आ सकता है, वो आ सकता है क्योंकि डॉन लीक्स का केस बड़ा एब्रप्टली खत्म हुआ हुआ है, उसमें उसको आपने लॉजिकल कॉन्क्लूजन तक नहीं पहुंचाया हुआ, ठीक है। उसमें दो क्वेश्चन जो मौजूद थे जिसका जवाब नहीं आया और वो किसी भी वक्त उसकी इंक्वायरी हो सकती है, वो ये है कि एक्चुअली था कौन जिसने ये काम किया और दूसरा ये कि उसका मकसद क्या था, उसका मकसद क्या था, वो अचीव क्या डॉक्टर साहब ये जो बात हो रही है इदारों के हवाले से, मैं ये डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहता हूं कि इदारों के हवाले से पर्सनल ओपिनियन है कि पीपल्स पार्टी, हम तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन में गए, हमारी पिटीशन वहां पड़ी थी फॉर डिस्क्वालिफिकेशन और जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड था GITs का उसको सामने रखते हुए था। जब PTI भी जा रही थी तो आप लोग कहते होते थे ना, आपकी पार्टी के बहुत सारे लीडरों ने कहा है कि कोई फायदा नहीं सुप्रीम कोर्ट जाने का, अब तो GIT बन गई है, अब तो और मामला हाथ से निकल गया। हम तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बहुत आगाज में गए और हम सबसे पहले गए और वो भी इलेक्शन कमीशन ने उसको सैनिटाइज किया हुआ है। डॉक्टर साहब देखें जी, प्रॉब्लम PMLN की ये है, जनरल साहब ने जो कहा कि वो हिजाजी चाहते हैं, उनको कोई कंप्लायंट बंदा मिल नहीं रहा क्योंकि जब एक बंदा इक्तदार में आएगा वो योर हम्बल सर्वेंट नहीं रहेगा। सबक हमें सीखना चाहिए जियाउल हक के, जब चीफ अवामी स्टाफ बनाए मौलाना फजलुर रहमान गए थे, मौलाना फजलुर रहमान अपने 1 pound ऑफ फ्लैश चाहते हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएं,
कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रह जाएं, फाटा की इंटीग्रेशन को वो नहीं चाहते, वो रोक ले जाए तो वो इनकार तो लेकिन नहीं करेंगे। वो उनको कोई नहीं बनाने वाला मौलाना फजल रहमान को। लेकिन इशू ये है कि मियां नवाज शरीफ की पार्टी ऐसे जिस तरह ऑर्गेनाइज है वो किसी को ट्रस्ट ही नहीं करते अपने ख़ानदान के अलावा। अब अनफॉर्चुनेटली उनके अपने पर्सनल फैमिली मेंबर कोई बचा नहीं है जो कि रोल फिल कर सके, तो उनको प्रॉब्लम ही ये पड़ी है कि कोई कंप्लायंट बंदा नहीं मिल रहा जिस पे पार्टी भी राज़ी हो जाएगी और वो कंप्लायंट रहेगा, क्योंकि जब एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तो फिर वो इनकी सुनेगा या वो अपनी देख के करेगा, ये उनके लिए इशू है, ट्रस्ट फैक्टर। लेकिन मसला अब उनके लिए यह है कि नवाज शरीफ तो 62-63 में नाअहल हो गए, हो जाएंगे, हो नहीं सकता कि जो इतना एविडेंस आ गया है, जो झूठ बोला है, जो पर्जरी की है, जो फौजरी की है, जो अपना इकामा नहीं डिक्लेयर किया, अपनी कंपनी नहीं डिक्लेयर की, जो पे मिल रही थी वो नहीं डिक्लेयर की। सारे के बाद अगर पीटीआई को या बाकी लोगों को ये सरप्राइज मिलता है कि नाअहल नहीं हो रहे और ट्रायल कोर्ट में जा रहे हैं, फिर क्या होगा? देखें, फिर हमें अपना आई थिंक पूरी ऑपोजिशन बैठ के अपना रद्द अमल करेगी, लेकिन मैं समझती हूँ पब्लिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब कल फॉर एग्जांपल बार काउंसिल्स का जहाँ तक मुझे पता है कल हड़ताल है, डिमांडिंग। अब ये देखिए ना, मोमेंटम बिल्ड होता जा रहा है, पब्लिक सड़कों पे निकलती आएगी, और मैं समझती हूँ कि ये अगर समझ रहे हैं कि कौम चुप करके बैठ जाएगी और नाइंसाफ़ी अपनी कौम बर्दाश्त करेगी, बहुत सी चीज़ें वाजे हो गई हैं, कौम को भी समझ आती जा रही है। और इसमें मैं कहूँगी कि इमरान खान का बहुत बड़ा रोल है, मतलब शुरू से वो जिस तरह हर जलसे में हर जगह बार बार पैनमा पेपर्स और करप्शन की बात करते गए, हर इंसान को अब समझ आ रही है कि क्या चक है और किस तरह इन्होंने कौम को लूटा है, और किस तरह वो लूट के फिर भी कह रहे हैं कि हम पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, हमारे पे हमने क्या किया, आपने क्या नहीं किया कौम के साथ। ठीक है, अच्छा मैं बुखारी साहब से इदारों के हवाले से जवाब लेके फिर ब्रेक पे जाते हैं हम। ये जो बार बार बात की जाती है इदारों के हवाले से और खासकर नैब के हवाले से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह चुका है कि इदारा आज हमारे सामने वफात पा चुका है, फिर वहीं पर अगर ये मामला जाता है तो वाकई आपको लगता है इस बार करेंगे काम? और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि पहले 17-18 साल नहीं किया है तो शायद उसको टाइम बार भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? नहीं नहीं, टाइम बार क्रिमिनल ऑफेंसेस का भी टाइम बार नहीं हो सकते, एक बात। दूसरी बात, आप ये देखें कि ये नैब ऑर्डिनेंस की एक प्रोविजन जो है कि रेफरेंस कैसे जा सकता है टू द ट्रायल कोर्ट। अब अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती है और फिर नैब कोर्ट का जो चेयरमैन है ही इज अंडर ऑब्लिगेशन, देयर इज अ डायरेक्शन टू हिम एंड ही विल हैव टू सेंड दिस रेफरेंस टू द नैब कोर्ट। ठीक है, मतलब ही कांट डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो कुछ कंसेप्ट आ रहा ना कि जी वो कुछ करेगा, जो रेफरेंसेस से ऑलरेडी तैयार थे और वो मटेरियल उनके पास है, सब्सिक्वेंटली यही मटेरियल जो कलेक्ट हुआ है जीआईटी के जरिए या जो डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी नैब चेयरमैन को और नैब चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई नहीं कर सकता, ही हैज टू सेंड दैट और वो ट्रायल कोर्ट में चला जाएगा, नैब कोर्ट में चला जाएगा। लेकिन वो जो मेरा सवाल था कि अगर कोई नया वजीर आजम इन्हीं की पार्टी का आता है तो फिर से वो रिकॉर्ड टेम्परिंग और ये तमाम चीजें नहीं कर पाएंगे। बात ये रिकॉर्ड जो तो रिकॉर्ड अभी तो अवेलेबल है, जब वो कोर्ट की डोमेन में चला जाएगा, जो जिक्र में चला जाएगा, रेफरेंस चला जाएगा, डॉक्यूमेंट्स ऑल डॉक्यूमेंट्स गो टू द कोर्ट। ठीक है, वो उनके पास चला जाएगा और वो कोशिश तो करेंगे इसको मैनिपुलेट करने की, कोई फेवर लेने की कोशिश तो जरूर करेंगे। जैसे अभी तक एक इट इज रिटन ऑन द वॉल कि यू आर करप्ट, इसके बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं, अब टेक्निकलिटीज में वो पनाह ढूंढ रहे हैं, उनके वकील भी कह रहे हैं। अपेरेंटली साफ सामने नज़र आ गई कि आपने फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स दिए, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास एविडेंस ये कोई नहीं है कि आपने ये एसेट्स बनाए कैसे, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था या कमेंसुरेट कर रहा था एसेट्स के साथ। हुदैबिया पेपर के हवाले से कि जी लाहौर हाईकोर्ट जो मुकदमा बंद कर चुका है वो उस जानिब चले गए सीआईटी वाले, उस पे इट्स माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन नाउ आल्सो और आई हैव सीन दैट फाइल मायसेल्फ। अच्छा, ये जब मुआहदा करके जनरल मुशर्रफ से सऊदीया चले गए उस वक्त ये हुदैबिया पेपर मिल वाला रेफरेंस नैब कोर्ट में था। ठीक है, और ये इसकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। आज भी मैं दावे से कहता हूँ उस ने हुदैबिया पेपर मिल वाले रेफरेंस की ऑर्डर शीट निकालें तो ये जब बैरून मुल्क चले गए तो जज ने खुद लिखा
کہ دی کیس از ایڈجرن سینٹ آئے. یہ اس کے بعد کیس سینٹ آئے ہو گیا, کیسز سارے ان کے بند ہو گئے, ان کا معاہدہ ہو گیا مشرف کے ساتھ, سارے کیسز بند ہو گئے, نیب کے باقی ٹرائل ختم ہو گیا. پھر جب یہ واپس آئے تو پھر اسحاق ڈار نے آ کے اس کو چیلنج کیا, پھر وہ ڈی بی میں وہ ڈس ایگریمنٹ تھا بٹوین ٹو ججز, ریفری جج کے پاس گیا اور پھر ریفری جج وہ انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا, پھر جس لوئر طریقے سے پھر جس لوئر نے اسٹیٹمنٹ دی ٹھیک ہے وہ فارمر ایم این اے تھا اور ڈپٹی اٹارنی جنرل انہوں نے اور نصیر بھٹا ہی واز فارمر ایم این اے, ہی میڈ اے اسٹیٹمنٹ. اب دیکھیں اٹ واز آل کولوسیو, تو اس طرح وہ گیا, اب اس کو ری اوپن ہو سکتا ہے, ری اوپن ہو سکتا ہے بلکہ چیلنج کیا. سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, سٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک پروگرام, ایک بار پھر سے خوش آمدید جنرل صاحب. اب جس طریقے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے, ان کے پورے خاندان کے حوالے سے, جتنا مرضی کہہ لیں کہ سازش ہے حکومت کے خلاف, ڈیموکریسی کے خلاف, بٹ دا تھنگ از کہ صرف ایک خاندان سے سوالات کیے جا رہے ہیں, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا رہا ہے. جوڈیشل ٹرائل, پولیٹیکل ٹرائل, میڈیا ٹرائل, جگ ہنسائی الگ, جہاں جاتے ہیں یہاں سوال ہوتے ہیں کہ بچے باہر لندن تک جاتے ہیں تو لوگ ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں اور سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا چیز انہیں روکے ہوئے ہے؟ ہر چیز سٹینڈ سٹل پر ہے, اکانومی پہ کہیں بات نہیں ہو رہی, وزرا اپنے پورٹ فولیوز پر, اپنی پرفارمنس پہ بات نہیں کر رہے ہیں, فورن پالیسی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, صرف شریف خاندان کا دفاع ہو رہا ہے. دیکھیے یہ بدقسمتی ہے کہ جن کانسٹیچوئنسی سے مختلف لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے, وہاں کے لوگوں کا کوئی ان کے لیے واویلا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور باہر آ کے وہ صرف دفاع کرتے ہیں میاں صاحب کا. حالانکہ یہ میاں صاحب کا ایک ذاتی معاملہ ہے اور اکثر ان میں سے ان کے راز اور یہ چیزیں نہیں جانتے, اکثر کیا سب ہی نہیں جانتے. یہ بڑی پرسنلائز پرائیویٹ قسم کی کرپشن کا معاملہ ہوتا ہے, اس میں دوسروں کو تو رازدار نہیں بناتا. سر اتنی چیزیں جس کے سامنے آ جائیں اور جس میں بھی عقل ہو وہ کہیں تو سوال کر سکتا ہے یا کہیں اپنے آپ کو, اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ پوچھ سکتا ہے یا ایٹ لیسٹ اس انداز میں دفاع تو نہ کرے. چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے اپنے مفادات بھی اسی میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ معاملہ ٹل جائے اور یہ بیٹھے رہ جائیں. اگر یہ ہاؤس آف کارڈ جو ہے یہ ابھی اگر کولیپس کرتا ہے تو ان لوگوں کا بھی چھٹی ہو جائے گی, کیونکہ ان کی ویسے تو وہ قد حیثیت کچھ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف بہت سارے لوگ تو ادھر ادھر جانے کے چکروں میں بھی ہوں گے. جو میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے لوگ آج سے 3 مہینے پہلے, میں اس وقت جب یہ قصہ چل رہا تھا ابھی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی, بہت سارے نون لیگ کے لوگ جو تھوڑا بہت بھی ضمیر رکھتے تھے وہ ہمیں پرائیویٹلی کہتے تھے کہ جی ہمیں پتہ ہے ہمارا لیڈر پکڑا جائے گا. سر آپ کو پتہ ہے ابھی 70 کے قریب اراکین اسمبلی ہیں نون لیگی, وہ بھی سنا جن کی نگرانی چل رہی ہے کہ کہیں اور نہ چلے جائیں. اب آپ دیکھیں ان کے لیے ان کو چھانگا منگا لے جائیں اور کیا ہو سکتا ہے جو پرانی جگہ انہوں نے رکھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے, دیکھیں آپ نے بھی ویڈیوز کلپ دیکھی ہوں گی, لندن کی سڑکوں پہ ننگی گالیاں کھائی ہیں لوگوں نے. اگر انسان کو تھوڑا بہت بھی کچھ خیال ہو تو وہ محسوس کرے کہ یار ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں کیا مل رہا ہے, اور وہ کسی سٹیج کے اوپر آ کے تو وہ اس چیز سے بچنے کے لیے, جو اس کا انجام ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے وہ ایک طرف ہو جائے, وہ کہے جی اچھا ٹھیک ہے میں ایک طرف ہو جاتا ہوں. کیونکہ آپ نے دیکھا جیسے جیسے کیس بڑھ رہا ہے آپ کے اوپر مزید کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, اور کیچڑ صرف ایسے نہیں ثبوت کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہا ہے. صحیح. تو یہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں انسان کی ایک ڈھٹائی بھی کی لمٹ ہوتی ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں اس سے کوئی اپنا بھلا کر رہا ہوں, میں مجھے کم از کم نظر نہیں آتا کہ اس میں ملک کا یا میاں صاحب کا اپنا کچھ بھلا ہے یا ان کی فیملی کا. ٹھیک, یعنی ایک وقت تھا جب صرف پاناما کا اپنا سیاسی نقصان بھی زیادہ کریں گے اس سچویشن کے اندر. صورتحال یہ ہے کہ ہر ایک کے الیگیشن ان کے, ٹھیک ہے, واٹ آپشنز ڈو دے ہیو ناؤ, فیکٹس کو چیلنج نہیں کر رہے. عدالت کہتی ہے کہ جناب ہم نے رپورٹ پہ نہیں, جو رپورٹ نے, جو جی آئی ٹی نے دستاویزات اکٹھے کیے اس پہ فیصلہ کرنا ہے, تو ان فیصلوں پر, ان دستاویزات پر تو نہیں آپ جا رہے ہیں. تھوڑا سا ٹو یوز ان کے منسٹر کے الفاظ, جی تھوڑی سی بھی شرم ہوتی, تھوڑی سی حیا ہوتی تو شریفانہ طریقے سے اپنا استعفیٰ دے دیتے اور چلے جاتے, پھر دیکھتے کیا ڈیسیجن آ رہی ہے. میں کہتی ہوں بے شرمی کی حد ہے بالکل, اور پاکستانی کی حیثیت سے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری ملک کی اور قوم کی جو بے عزتی یہ کرا رہے ہیں. اندازہ کریں
आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक वर्कर वर्क परमिट यूएई की हुकूमत का रखता है एज मार्केटिंग मैनेजर, मतलब ये कहीं है इस तरह की मिसाल और कहीं? कोई अपने पूरी पाकिस्तान की कौम को बेइज्जत कर रखा है, और मैं समझती हूँ कि खुदा के वास्ते कहीं तो जाके, और बच्चों को नॉर्मली माँ बाप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, इधर आप बच्चों पे सारा मलबा डालना चाहते हैं कि आपकी कुर्सी एक बच जाए, एक कुर्सी के पीछे इतनी बेइज्जती, इतना बेहयाई, मैं कहती हूँ ऐसी मिसाल मैंने कहीं नहीं देखी। बुखार साहब आपने देखी? देखिए जी, आगाज़ में जब ये पनामा इशू चला तो इन्होंने सारा मलबा डालने की कोशिश की, किस पे डलेगी? हर औलाद चाहती है कि उसकी बाप की नेक नामी हो, वालिद साहब पे, वालिद साहब, वो कभी भी कोई ऐसा काम करने को तैयार नहीं होगा कि शायद वो अपने ज़िम्मे ज़रूर, लेकिन अपने वालिद की इज़्ज़त एहतराम का ज़रूर ख्याल रखता है। ये ऐसी औलाद है कि जिसने अपने बाप पे मलबा डाला सारा, मरहूम बाप पे मलबा डाला, तो आप जहन की पस्ती को देखेंगे कहाँ आगे, इक्तदार की खातर ये किस हद तक चलेगी। मैं बुरे से बुरा शख्स भी होगा ना, वो अपने पे इल्ज़ाम ले लेगा, वो कि कतन ये नहीं चाहेगा इसके वालदैन पे कोई जिम्मेदारी लगे, कोई इल्ज़ाम लगे। इन्होंने तो सारा मलबा उठा के मरहूम मियाँ शरीफ साहब पे वो डाल दिया कि ये तो हमारे वालिद साहब ने किया था, और बच्चों के हवाले से भी, और बच्चों के हवाले से भी वही हुआ। और मैं समझता हूं कि आप इससे की मिल्कियत है, क्या है, मुझे नहीं पता कब ट्रस्ट डीड सामने आई, कैसे हुआ। इनमें करेज ही नहीं है, ये बुज़दिल हैं, ये इनमें करेज होती है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप में इसमें करेज होती है। बहुत सारे मुल्कों में लोग स्टेप डाउन कर गए हैं, तो इनको भी स्टेप डाउन कर जाना चाहिए था। नहीं, नहीं, और मैं चाहता हूं ये रीजेन कर लेते, लेकिन इस फैसले के बाद वो नहीं कर रहे हैं, वो आपको बता चुके हैं, वो कह रहे हैं नजरिया पाकिस्तान के भी खिलाफ है, इस्लाम के भी खिलाफ है, इसराइल भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, हर चीज। क्यों सिर्फ पाकिस्तान का, सिर्फ नवाज शरीफ का नाम है? ये 20 करोड़ के आवाम है, और आज जितना नुकसान पाकिस्तान के आवाम का और पाकिस्तानी कौमियत का हो रहा है, ये इसलिए कि बड़ी अनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी है अभी, और इस अनसर्टेनिटी में कोई काम नहीं। सिचुएशन आपको कब तक चलती नजर आ रही है? ये शरीफों की साजिश है पूरी कौम के खिलाफ, ओनली अ वीक टाइम, इट वोंट गो बियॉन्ड। तो जनाब आपको भी यही लग रहा है, क्योंकि अभी वो जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने आना है इनके बाद, और पता नहीं कौन, मुझे कम से कम ये नहीं लगता कि ये, वैसे इनको तो इनसे तो पूछा गया तो उन्होंने कहा कल तक मैं अपने दलाइल मुकम्मल करने की कोशिश, वो दलाइल तो कर लेंगे, वो ना हो कि एंड पे सारे जो बुखला हैं इनके उनको खड़ा करवा के तो कोर्ट नारा लगवाए, गोजवा गोनवाज गो का नारे लगा के आप बाहर जाओ, क्योंकि उन वकीलों से खीर नारा लगवाना कोर्ट ने, क्योंकि वो सारे जितने भी दलाइल लेके आ रहे हैं मजबूरी के तहत, वो दलाइल सारे भोंडे हैं और ऐसे ही हैं, वो सारे इसी तरह के हैं, टेक्निकल किस्म के ये वो। किसी ने ये दलील नहीं ला के दी कि जी ये जो डॉक्यूमेंट है जो जी, वैसे आज एक जुमला मैं कहे बगैर प्रोग्राम क्लोज नहीं करना चाह रही, जस्टिस अजमत सईद साहब वाला जिस पे उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने प्राइवेट फर्म हायर की, तो जस्टिस अजमत ने कहा कि और क्या मलका बरतानिया को डायरेक्ट लिख चिट्ठी लिखते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको लग रहा है कि एक्सक्यूजेस, इनसे काम नहीं, कानून में बात मौजूद है, नैब ऑर्डिनेंस में है कि आप सर्विसेज किससे, वकला से, मैंने आपको बताया ना आखिर में, वकला से नारा लगवाया जाएगा। 21 जी और एच ये दो प्रोविजन है जी, मतलब वो सिर्फ जी का हवाला दे रहे हैं, उसके साथ एच को मिला के नहीं देख रहे वो। आई वाज रीडिंग दैट जी और एच बोथ है, 21 एच जो है दोनों को देख ले। ठीक है, लास्ट कमेंट डॉक्टर साहिबा, आपको भी लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि अवाम की अदालत में भी अब जा रही है जीआईटी की रिपोर्ट को लेकर, उसकी फाइंडिंग्स को लेकर, सो उससे पहले बल्कि पहली वॉल्यूम की उर्दू ट्रांसलेशन करके अपनी वेबसाइट पर लगा भी दी है, क्योंकि कौम को मालूम होना चाहिए कि क्या क्या जुल्म इनकी शरीफ की, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन, और जो पर्जरी और फॉर्जरी की है, किस किस क्राइम क्या उन्होंने नहीं छोड़ा, जो गलतियां की हैं, जो क्रिमिनल चीजें की हैं। मैं समझती हूँ कि कौम को इतना इन्होंने बेइज्जत किया है कि कौम अब इनको खुद बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, हैदराबाद में भी हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और तमाम मातहत अदालतों ने मुकम्मल हड़ताल का कल ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले कर चुकी है, पाकिस्तान बार काउंसिल भी। आई हैव टू वाइंड अप हियर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शीरी मजारी साहब, आपने ज्वाइन किया, नैयर बुखारी साहब का, जनरल अमजद शुएब साहब का, दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।